हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, या जनरली द क्रॉप क्लासिफिकेशन, जिसमें हम रबी, जैद एंड खरीफ क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे, उनके एग्जांपल्स और कौन से स्पेसिफिक सीजन्स होते हैं व्हेन दे ग्रो इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम ये जानने के लिए सीजन, क्लाइमेट, वेदर एंड रीजन्स ऑफ द इंडिया, तो उससे पहले हम थोड़ा इंडिया का एक फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पर नज़र डालते हैं कि इंडिया का जो फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है वो क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। जो फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन के आधार पे इंडिया जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रीजन्स, इंडो गैंगटिक प्लेन एंड पेनिनसुलर इंडिया। अब ये जो है ये टर्म जियोग्राफी के टर्म्स हैं। अब हम लोग जो बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि हिमालयन रीजन्स देखिए, जो अपना प्यारा भारत है उसका एक जो मैप देखते हैं, ये वाला जो रीजन्स होता है, ठीक है, और एक आपको ये दिख रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, और इंडो गैंगटिक प्लेन जो होता है जिसे हम द्वाब का रीजन कहते हैं, जो रिवर्स के बीच का जो बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन्स होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है। तो इस तरीके से इंडिया जो है तीन डिवीज़न में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल ग्राफिकेशन। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, इसे इस फिगर को आप देखें, देखिए ये हिमालयन रीजन जो होता है, और इसके बाद ये डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें पूरा जो अगर हम बात करें इस तरीके से तो ये साउथ का जो रीजन होता है, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो साउथ वाला देखते हैं कि वेस्टर्न घाट अपना ये आ गया, महाराष्ट्र, गोवा, केरला वाला, और ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, और थोड़ा सा ये सेंटर वाला पार्ट जो विंध्याचल, सतपुरा की जो रेंजेज है, ये इसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, और ये जो अपर का पार्ट है ये वाला, ये हिमालयन रीजन से आपका, ठीक है, और जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो आपका जो रिवर्स के बीच का प्लेस होता है, जो इसे हम द्वाब का रीजन भी कहते हैं, इसलिए बहुत ही प्रोडक्टिव माना जाता है। इस तरीके से इंडिया जो है फिजियोलॉजिकली, फिजियोग्राफिकली तीन पार्ट में डिवाइड है। अब इनका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाए जो हम बात कर रहे थे। हिमालय क्या होता है देखिए, इसके रीजन, इसके रेंज क्या है। हिमालय जो होता है, इट फॉर्म्स ए माउंटेन अलॉन्ग एक्सट्रीम नॉर्थन मार्जिन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया अपने भारत का, इस तरीके से मैप बनाते हैं, तो इसमें ये नॉर्थ वाला जो रीजन होता है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर का जो नॉर्थ है, एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब इस साइड का नॉर्थ का ईस्ट साइड और ये वेस्ट साइड, ठीक है, इस तरीके से दोनों, ठीक है, अबाउट 2500 किलोमीटर का जो लेंथ में एरिया है वो, और इसका जो रेंज है तो राइजिंग फ्रॉम लो इंडियन प्लेन्स टू हाईएस्ट पीक ऑफ कंचनजंगा, जो हिमालय की सबसे ऊंची जो पीक है जो इंडिया में आती है, सबसे वैसे ऊंची तो नेपाल में चली जाती है, इंडिया में जिसका पार्ट आता है वो कंचनजंगा की जो पहाड़ी है उसे बोला जाता है, ठीक है, तो ये हिमालय रीजन्स हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है इंडो गैंगटिक प्लेन, देखिए हमने बोला ना एलुवियल जो सॉइल होती है ना उसका, लो लैंड लिविंग पैरेलल टू द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय के साउथ जो पार्ट है, ठीक है, उसे इंडो गैंगटिक प्लेन कहा गया, और एग्रीकल्चर इज मोर प्रोडक्टिव रीजन। यहाँ हम केवल ये देखना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक थोड़ा सा ब्रीफिंग की फिजियोलॉजिकली इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड है। तीसरा है पेनिनसुलर इंडिया, देखें इसमें हमने बोला ना डेक्कन प्लेट्यू, इसमें आपका ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और आपका डेक्कन वाला जो पार्ट है वो आता है, और अगर इसकी लोकेशन देखें गैंगटिक प्लेन से तो ये साउथ ऑफ गैंगटिक प्लेन्स। अब पेनिनसुलर इंडिया और इंडो गैंगटिक प्लेन जो होते हैं वो एक डिवाइड होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू, इंडिया के जो पार्ट होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ब्रीफिंग है, इससे हमारा थोड़ा सा कंसर्न है इसलिए कि क्लाइमेट की बात करते हैं। अब देखिए क्लाइमेट की हम बात कर लेते हैं, पहले तो क्लाइमेट हम नीचे पढ़ेंगे, उससे पहले ये देखते हैं क्लाइमेट, मानसून एंड सीजन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये क्या टर्म्स हैं, इनका हमें बेसिक आता भी है, हम बस बात करते हैं इनके बारे में कि क्लाइमेट क्या होता है और सीजन क्या होता है, मानसून क्या होता है, उसे देखते हैं। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जल वायु, जल और वायु मतलब पानी और हवा, ठीक है। ये जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसका रेफरेंस सीधा किसी स्थान से होता है, प्लेस से होता है, जैसे कि आपने देखा बहुत टाइप के बायोम पढ़ते हैं हम, टाइगा, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टुंड्रा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है क्लाइमेट का कि टुंड्रा क्लाइमेट है, या इंडिया जैसे कि सब ट्रॉपिकल कंट्री है, कनाडा एक टेम्परेट कंट्री, इस तरीके से बात करते हैं। इसी तरीके जब सीजन की बात करते हैं तो हमारा वहाँ पर रेफरेंस होता है टाइम से, देखिए अब प्लेस नहीं, अब हमारा रेफरेंस है टाइम पे, सीजन की बात करें तो टाइम से आता है,
जैसे कि समर, विंटर, रेन एंड स्प्रिंग। जैसे इंडिया में चार क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वो सीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। समर का रीजन होता है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त वाला। विंटर का होता है दिसंबर, जनवरी, फेब। इस तरीके से रेनी सीजन होता है आपका, समझ रहे हैं ना। तो अब आता है मानसून, एक डिफरेंट टर्म्स है। देखिए, अब मानसून जो ड्राइव हुआ है वो सीजन से ड्राइव हुआ है। कि मानसून का मतलब जो हम बात करेंगे तो सीजन के दौरान स्पेसिफिक जो डायरेक्शंस होती है विंड की, उससे डिसाइड होता है मानसून, ठीक है। तो थोड़ा सा देखें, जो मानसून टर्म था वो हिप्पालुस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि अरबी टर्म है, और हिप्पालुस भी अरबी साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उनकी, चेंज ऑफ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब सीजन में स्पेसिफिक सीजन में जो विंड की डायरेक्शंस होती है, जो हवा की डायरेक्शंस होती है, उससे डिसाइड होता है सीजन, वो सीजन कहलाती है, ठीक है। अब हमारा जो कंसर्न है वो मानसून, ठीक है। मानसून सीजन का डिफरेंस समझ गए कि एक हवाओं का जो रुख होता है एक सीजन के दौरान, वो मानसून कहलाता है। अब मानसून से ही हमारा जो क्रॉप्स की जो हम बात करने जा रहा है, जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स इंडिया में, तो मानसून के बेस पर डिसाइड की क्या जाती है, ठीक है। तो देखते हैं मानसून के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंडियन मानसून जो कब स्टार्ट, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, जो अलग कंट्री, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। और जो पहला जो मानसून होता है इंडिया में वो केरला में होता है 1 जून में, ठीक है। और पूरे भारत में जो इंडिया मानसून होता है वो 25 जून तक जो है सब में पहुँच जाता है। अच्छा, एवरेज जो स्पीड है मानसून की इंडिया में वो 30 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होती है। और जो मानसून के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडिया में, वो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, IMD, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, ये बताता है सब मौसम विज्ञान के बारे में, ठीक है। अब इसी के बिहाब पे जो सीज़न की हमने बात करी ना, सीज़न मानसून, सीज़न के बिहाब पे जो हमारे यहाँ क्रॉप्स होती हैं इंडिया में, उन्हें हमें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड जैद क्रॉप, ठीक है। अब इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। खरीफ क्रॉप क्या होती हैं, देखिए इनके दूसरे नाम पहले देखते हैं। खरीफ क्रॉप को हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं, इन्हें हम समर क्रॉप भी कहते हैं, और इन्हीं को हम जो है एक नाम और दिया गया, ऑटम क्रॉप भी कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स क्यों कहे गए, देखिए समर को अरबिक में ऑटमन कहा जाता है, इसलिए इसे ऑटमन क्रॉप कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, ये खरीफ क्रॉप जो होती है पूरे मानसून सीजन में हम इन्हें ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा मानसून अपने इंडिया में होता है, समर। हाँ, इससे पहले हमने ये भी आपको देखना जरूरी, जो हमने पहले बताने जा रहे थे, ये देखिए क्लाइमेट के बारे में। इंडिया मेनली कैसी कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री है, और ड्यू टू एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की वजह से यहाँ पे जो पूरा क्लियर कट जो एक सीज़न का वो पाया जाता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग, समर, साउथ वेस्ट मानसून एंड विंटर सीजन। देखिए समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है, ये बरसात का हो गया, साउथ वेस्ट मानसून, और ये स्प्रिंग का सीज़न हो गया। तो आपको पता है स्प्रिंग की बात जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो कहना जनवरी से मार्च तक का सीज़न हम कह सकते हैं स्प्रिंग का होता है, समर, अप्रैल, जून, मेनली दो दो, क्योंकि हम ये दो मंथ इसलिए लिख रहे हैं कि इन्हीं सीज़न के आधार पे हम जो है क्रॉप का वो करेंगे। वैसे तो तीन तीन मंथ होते हैं, चार टाइप की आपके सीज़न होती है, स्प्रिंग 3 मंथ, समर 3 मंथ, साउथ वेस्ट मानसून 3 मंथ, और विंटर, इस तरीके से 12 महीने हो गए साल के। मगर हम यहाँ पे क्रॉप को हमें डिफाइन करना है कि कौन से मंथ में लगती है एवरेज, और किस मंथ में हार्वेस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिया है। कि स्प्रिंग की बात करें तो जनवरी मार्च, समर अप्रैल जून, साउथ वेस्ट मानसून जो है जुलाई और सेप्टेम्बर की बात करते हैं, और विंटर सीजन अक्टूबर एंड दिसंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून के अकॉर्डिंग, हमारा जो पूरा जो हम बारिश की बात करते हैं मेन, वो 80% साउथ वेस्ट मानसून की ही बारिश होती है, ठीक है। और कुछ पार्ट जो होता है वो विंटर मानसून से भी कैरी करा जाता है। चलें अब हम आते हैं इस पे, देखिए खरीफ क्रॉप के हमें तीन नाम देख लिए कि नाम ऑटमन क्रॉप भी कहते हैं, मानसून भी कहते हैं, और समर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। पहले इस पे देख लें, देखिए अरबिक टर्म से ऑटमन टर्म आया। दीज क्रॉप्स यूजली सोन इन विद द फर्स्ट रेन। फर्स्ट रेन कब होती है आपके यहाँ बताइए, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, जो मेन मानसून है उसका फर्स्ट, तो कब होगी ये देखिए आपका इससे मालूम चल जाएगी, जो हमने नीचे अलग से सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम भी मेंशन किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जून, सोइंग टाइम क्या आया इसका, जून, इस तरीके देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला जो बारिश हुई कब हुई, जून में, तो हम इसे कब ग्रो करेंगे, जून में, अच्छा। और उसके बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग हो जाएगी हम अक्टूबर में कर लेंगे, मतलब पूरा जो मानसून का टाइम होगा, सेप्टेम्बर चल रहा है, देखिए बारिश हो रही है अभी हल्की फुल्की, और उसके बाद अक्टूबर में बस, ठीक है, लास्ट हार्वेस्ट हमने कर लिया, तो इसलिए हम इसे मानसून क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि पूरे मानसून सीजन में हम इसे करते हैं। और मानसून ये कब होता है,
समर वाले मानसून में, ठीक है, इसलिए समर क्रॉप। और समर या मानसून को ही अरबिक में क्या बोलते हैं, आटमन बोलते हैं, तो ये आटमन क्रॉप हो गई, ठीक है। हार्वेस्टिंग टाइम बता दिया, 4 महीने क्रॉप होती है। इस तरीके से क्रॉप का 4 महीने, चाहे 4 सीजन है, वैसे 4 क्रॉप क्या है कि जून में करें, अक्टूबर में हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से इसके, कि कौन सी क्रॉप होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पानी की जो क्रॉप होती है, हमने कहा पानी वाली बरसात वाली, वो कौन सा होता है, धान, जो इस टाइम चल रहा है हमारा टाइम। इसके साथ ही देखिए राइस भी मेज ग्रेन क्रॉप है, मेज और मिलेट्स और पीरा मिलेट्स, मेज सोयाबीन, सोयाबीन तो दूसरी फैमिली में आ जाता है, और दूसरे ये लेग्यूमिनस जितने भी देखिए लेग्यूमिनस, और शुगर केन भी आपका ग्रेमनी में है। तो कहने का मतलब अगर हम जनरलाइज करें इनसे, तो जो ग्रेन क्रॉप होती हैं, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, खरीफ मतलब जो, ठीक है, समर क्रॉप या आटमन क्रॉप के एग्जाम्पल्स होते हैं। मिलेट्स जितने भी ग्रेन्स जो ग्रेमनी के मेंबर्स हैं, और लेग्यूमिनस जैसे कि हम बात करते हैं पी, पिजन पी, ग्राउंड नट, ठीक है। कुछ ध्यान रखना है आपको अलग से, जो सोयाबीन जैसे मालवेसी का आ गया, और कॉटन भी मालवेसी का आ गया, ठीक है, और रेड चिली। बाकी आपके 2 फैमिली के मेंबर इसमें आ रहे हैं, ग्रेमनी के और लेग्यूमिनेसी के, ठीक है। अच्छा इनके फीचर्स क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, बारिश के टाइम भी पूरे तरीके से ग्रो करे जा रहे हैं, तो मोर वाटर नीडेड, इसलिए अगर वाटर बारिश ना भी हुई तो सीजन तो वही है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, बाहर से हमें इरीगेट करना पड़ेगा, तो नीड मल्टीपल टाइम ऑफ इरीगेशन, ठीक है। और सोन की बात करें तो हम बात चुके हैं मानसून टाइम, तो उसमें कोई बात नहीं है, पूरी बात हम ऊपर बता चुके हैं। तो इस तरीके देखिए 4 मंथ आपको लेना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4th महीने में हमें हार्वेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रबी क्रॉप आ गई। अब इसी तरीके रबी क्रॉप के 3 नाम आपको देखना है। देखिए रबी को अरबिक में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग क्रॉप होगी, ठीक है। और एक तो रबी हो गया, दूसरा नाम क्या हो गया, विंटर, जाड़ों में करी जा रही है, तो विंटर, ये 3 नाम यहाँ पे इनके हो गए, ठीक है। तो दीज क्रॉप्स आर विंटर क्रॉप्स, ग्रोइंग पीरियड कब होगा, विंटर टाइम। इंडिया में विंटर टाइम का मतलब क्या होता है बताएं, दिसंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 मंथ इसमें आते हैं। तो इसके हिसाब से देख लीजिए कब ये ग्रो करेंगे, कब हार्वेस्ट, ठीक है। तो मेन जो स्टार्ट होता है हमारे यहाँ सर्दी का मौसम अक्टूबर से होता है, 15 अक्टूबर से मानते हैं हम लोग, तो ये अक्टूबर नवंबर में हम इन्हें मतलब बुआई कर देंगे इनकी, और मार्च अप्रैल में हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इनका टाइम हो गया। अब इस टाइम जो होता है बारिश बिल्कुल रुक जाएगी हमारे सितंबर के बाद, अक्टूबर में हम ग्रो कर रहे हैं, तो विंटर सीजन क्रॉप्स हैं ये, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ इरीगेशन, इसीलिए वाटर की इन्हें बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वही बात आती है कि कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए अब उधर से ग्रेन क्रॉप जो बचे थे उसके बाद, क्योंकि ग्रेमनी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसके बाद देखिए व्हीट सबसे मेन जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है रबी का, वो व्हीट है, जाड़ों क्रॉप। और तुमने देखा होगा कि व्हीट के साथ हमेशा उसके खेत में मिक्स क्रॉपिंग के बाद में सरसों की खेती करी जाती है, ठीक है। अब इसमें से ग्रेमनी कुछ मेंबर और आ जाते हैं, जैसे कि बार्ले एंड ओट, ये भी आपके इसी के मेंबर्स हैं, ग्रेमनी के, व्हीट, बाकी पहले वाले में चलेगा खरीफ में, कुछ इधर आ गए, व्हीट, बार्ले और ओट। मस्टर्ड आपका ब्रैसिकेसी का है। इसके बाद देखते हैं कुछ पोटैटो, ओनियन, सनफ्लावर, कुछ लेग्यूम, देखिए यहाँ भी आ गए आपके, चिकपी, पी, ग्राम, सीसम सीड, सीसम भी लेग्यूमिनस है। तो देखिए वही बात आ गई कि आधे ग्रेमनी और लेग्यूमिनस की उस साइड में थे खरीफ में, और आधे आपके रबी में आ गए। कुछ स्पेशल आपको ध्यान रखना है, जैसे ग्रीन सीड, पोटैटो, ओनियन, सनफ्लावर, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट फैमिलीज के हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है रबी क्रॉप्स में, ठीक है। तो इनके सबसे तो 3 नाम आपको ध्यान रखना है कि विंटर क्रॉप्स, स्प्रिंग क्रॉप्स, ठीक है, और आपका जो अरबिक टर्म से स्प्रिंग आया, विंटर और रबी, ये ध्यान रखना है आपको। इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोइंग टाइम, आपको पता है जाड़े की, जाड़ा कब से स्टार्ट होता है, विंटर, तो विंटर से इनकी बुआई शुरू हो जाती है, नवंबर तक कर लेते हैं, अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद नवंबर, मतलब 1-1.5 महीना तो इंडिया में ग्रो करते रहते हैं हम लोग बुआई, और उसके बाद उसी तरीके से हार्वेस्टिंग में भी टाइम लगता है कि हम कुछ एक कांस्टेंट मंथ नहीं बता सकते आपको, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो टाइम होता है सोइंग का वो भी कई महीने तक चलता है, ठीक है। तो 2 मंथ का हमने वो लिया एक मार्जिन इस तरीके से कि अक्टूबर नवंबर में बुआई कर लेते हैं और मार्च अप्रैल में हम इनकी हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जाड़े क्रॉप है तो उसमें लेस इरीगेशन है, तो बहुत पानी कम रिक्वायरमेंट होती है इन क्रॉप्स को। इसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी होती है बहुत ज़्यादा, इन लोगों के बीच में कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होती इस इन तरीके के प्लांट की, जिन्हें हम जैद क्रॉप्स बोलते हैं। देखिए जैद, अब जैद क्रॉप का जो टर्म आता है इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा जो कॉमन हो जैद क्रॉप्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक कॉमन पॉइंट कि इसमें रिक्वायरमेंट पानी की है बट बहुत ही कम है, और वो भी इनके रूट्स वाले एरिए पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स पे कौन होते हैं, जो नदी किनारे आपने देखा होगा पम्पकिंस, जो तरबूज खरबूज जो गर्मी के दिनों में होते हैं उनकी बात कर रही है, जैद क्रॉप भाई होते हैं। इसमें मोस्टली जनरलाइज भी में अगर हम बात करें तो ऐसी वेजिटेबल्स आती हैं जिनमें बाइंस हो, बाइंस मतलब लत जैसे बोलते हैं, लता मतलब उनके जो पढ़ने वाली हिंदी में बोलते हैं ना, जो क्रीपिंग टाइप की होती हैं, रेंगने चलती विद वाइंस, ये देखना वेजिटेबल्स विद वाइंस। और कुछ फ्रूट्स इसमें आते हैं,
ठीक है, कोई इनका पार्टिकुलर सीजन नहीं है जिसकी हम बात करें, ये ट्रांजिशन फेज में आती है, मतलब विंटर और अभी के राज का ट्रांजिशन फेज में गौर करते हैं। जैसे मार्च अप्रैल, ठीक है, और मई जून, मार्च अप्रैल में इनकी हम सोइंग करते हैं और मई जून में हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में इनके वही इनके एग्जाम्पल रखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। फैमिली जो कुकरबिटेसी है उसके मोस्टली मेम्बर इसमें आते हैं आपके, जैसे देखना आपको फ्रूट्स में तो नहीं है, फ्रूट दूसरी फैमिली के होते हैं, जो गार्ड और पम्पकिंस, मुस्कमेलन्स, वाटरमेलन सब इसके मेंबर हैं, कोकम्बर्स और इन्हें ध्यान रखें, पम्पकिंस, गार्ड, कोकम्बर्स, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स, आर ग्रीन वेजिटेबल जो हैं इसमें आती हैं आपकी जैद क्रॉप्स में। ठीक है, इन्हें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है और बस वो भी रूट्स के, बाकी जो इनका फ्लोरल पार्ट्स होता है, जो मार्फोलॉजिकल जो बर्ड होता है उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये ट्रांजिशन फेज में ग्रो करी जाती है, और ट्रांजिशन फेज कौन सा है, मार्च टू जून। वैसे तो हम थ्रू आउट ईयर भी ग्रो कर सकते हैं, मगर एक स्पेसिफिक सीजन इनकी भी डिसाइड करिएगा कि मार्च अप्रैल में सोइंग और मई जून में इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इनका आपको बस एग्जाम्पल आता है पूछने के लिए, तो आपको उसे पे ज़्यादा कमांड करना है। जैसे देखिए, इसमें हमने कुकरबिटेसी बता दिया और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके डाइकॉट्स हैं, ठीक है, और ये कुकरबिटेसी भी डाइकॉट फैमिली, इसलिए मोस्टली कैसे प्लांट हैं इसमें, डाइकॉट्स हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।